करतारपुर कॉरिडोर पर पासपोर्ट की शर्त पर डीजीपी पंजाब पुलिस दिनकर गुप्ता द्वारा दिए गए बयान को लेकर बाकी सिख संगत के अलावा आज पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करके लौटे श्रद्धालुओं में भी भारी रोष पाया जा रहा है। डीजीपी के इस बयान को लेकर जब करतारपुर साहिब से लौटकर डेरा बाबा नानक पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिनकर गुप्ता को अपने ओहदे का ध्यान रखते हुए बयान देने चाहिए, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान एक प्रदेश के डीजीपी को शोभा नहीं देते। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ऐसे बयान दिए जाने से नानक नाम लेवा संगत की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसीलिए डीजीपी दिनकर गुप्ता को अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांग लेनी चाहिए। डीजीपी साहब नूं अपील हाथ जोड़ के संगत वालों भी साडा सिखी का बूटा उतों प्रफुल्लित होया गुरु नानक देव जी का, साढ़े बजुर्ग भी उतों पाकिस्तान तो आए जी, तो साडा तो बहुत मन खुश होया। मैं जा के आया 3 नवंबर नूं, वो इन्ना लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा हदों ज़्यादा, वो हथां दे चुक लेंदे आ भी इन्ने मतलब तो ये किस तरह का कह रहे हैं भी उत्थे लोग जाके ते अपना टैररिस्ट बनता उतों अतवादी बन के आउणगे, इन्हां किदां सोच लिया है इन्हों मतलब ये तो इन्ने ज्ञान बयान होंगे ने डी जी पी लोग जोड़े ने किस तरह के बयान कर रहे हैं, इन्हों अपने आप बिल्कुल जोड़ा वा इन्हों माफ़ी मंगनी चाहिए है सिख कौम को। सिख कौम सारी अज बिल्कुल पीड़ा च है गल च कि इन्हें किस तरह का बयान दिता वा, अभी सारे सिख बिल्कुल इन्हों के खिलाफ हाँ विरोध च हाँ, तो ये सिख कौम को माफ़ी मंगन कि इन्हें किदा का बयान दिता कि उत्थे टैररिस्ट बन जाते हैं सिख तो अपने गुरु नतमस्तक हो जाते हैं उत्थे। मैं डी जी पी साहब नूं एक गल पुछनी चाहुंदा, वेखो तुसीं मैं ये नहीं जानता किहड़े धर्म नाल बिलोंग करदे जां की सकता वा, जे तुसीं सिड़ी जांदे जे जां साईं बाबे दे जांदे जे उत्थे तुसीं अपनियां मन्नतां लै के जांदे जे कई कुछ करदे जे, हर बंदे दी अपनी अपनी सोच आ, मैं ये पुछना चाहुंदा वी उत्थे तुसीं टैररिस्ट बन जांदे जे उत्थे तुसीं अतवादी बन जांदे जे, इदां ही सिखां दी भावना वा। आपां जे करतारपुर जांदे आ ते इक अपनियां भावना नूं लै के जांदे आ, आपां धार्मिक बंदे आ जां अपनी साडा है ही धुरा ही वह करतारपुर तो बाबे नानक की सिखी का जो है वो ही है। तो मैं ये कहना चाहना भी डी जी पी साहब न एडे वे रैंक नी सोच वा नहीं होनी चाहिए, तो जे हैगी है तो उन्होंने अजे भी कढ़ देनी चाहिए मन चो। मैं बेनती करना कि जो डी जी पी साहब होना बयान दिता बहुत ही घटिया बयान है, बहुत ही निंदनयोग बयान है, क्योंकि जरा इन्होंने कहा कि उधर आधार कार्ड से लोग जाएंगे तो वो अतवादी बन के आएंगे, ये तो कोई यहोजी तो कोई गल नहीं, लोग तो बड़ी श्रद्धा ना जा रहे हैं, बड़े चिर तो अरदासा कर रहे हैं कि महाराज साढ़े करतारपुर जो लांघा वा खुले सानू लांघा मिले तो आप दर्शन मिले करके आइए, तो ये बहुत ही बहुत निंदन योग बयान आ, इदा का बयान नहीं देना चाहिए डी जी पी साहब नूं, जे डी जी पी साहब ही इदा बयान देणगे तो आम जी पब्लिक आदा बोलेगी की करेगी। नहीं असी तो इदा की कोई गल देखी नहीं जी, असी भी आए हैं हुण तुहाडे सामने जी किस अभी श्रद्धा नाल ही गए सी उस तरीके नाल ही आए हैं, लोग बहुत मिलनसार आ उत्थों दे और बहुत रिस्पैक्ट करते हैं, असी अपने गुरु नानक देव जी का जिहड़ा एक जिथे उन्होंने 18 साल खेती की उस जगह नतमस्तक करके आए हैं, तो यह जे बयान जिहड़े मैं समझना एक वड्डे अहुदे ते शोभदे ही नहीं, तो उन्होंने यहो जे बयान तो गुरेज करना चाहिए, तो लोगों की जिहड़ी श्रद्धा भावना वह सत्कार करना चाहिए जी।